मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आज अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज है छुट्टी का दिन भी। तो बच्चे जो हैं दोनों अभी ट्यूशन चले गए हैं सुबह सुबह, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्लीनिंग घर की। तो बाहर से ही मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है, क्योंकि घर की पूरी क्लीनिंग करना शुरू करें ना तो कम से कम 1.5 घंटे लग जाते हैं। और क्लीनिंग करने के बाद जितने भी प्लांट डाले हैं तो उन प्लांट को पानी वगैरह देना। तो यहाँ पर तो मैंने नीचे में कुछ प्लांट रखे हैं, बाकी प्लांट छत पे हैं, जिसको सिन्हा जी देते हैं जा कर के पानी। और मैं मतलब एक दिन गैप करके जाती हूँ ऊपर में, तो जैसे कुछ केयर करना है, कुछ डाल वगैरह सूखे हैं, पत्ते सूखे हैं, या कुछ उसको फर्टिलाइज़र वगैरह देने का काम है, तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और जो डेली वेज पे जो वाटर देने का काम है ना, वो सिन्हा जी कर देते हैं, तो इतनी हेल्प हो जाती है मेरी। और मैं नीचे की सफाई कर रही हूँ और सिन्हा जी छत पे गए हैं प्लांट को पानी वगैरह देने के लिए। तो नीचे का काम निपटाते निपटाते और घर की पूरी क्लीनिंग करते तो 1.5-2 घंटे का टाइम, मतलब मैक्सिमम तो नहीं कहूँगी, मिनिमम टाइम है मेरा, उससे ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं लगता। ये सबको लगता होगा, जितनी भी लेडीज़ रहती हैं, घर की साफ़ सफाई मॉर्निंग की बहुत ही लंबी हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में ही इतनी सफाई होती है, फिर उसके बाद शाम में थोड़ी बहुत ही रहती है। और यहाँ पर मैं प्लांट को दे रही हूँ पानी, ये सारे प्लांट हैं ना, इनको ना थोड़ा धूप भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको पानी चाहिए, लेकिन इनको जो ह्यूमिडिटी वगैरह भी तो काफ़ी मिल जा रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो इस वजह से। लेकिन मुझे इन सब प्लांट को थोड़ा सा धूप दिखाना पड़ेगा आज। और यहाँ पर जो मैंने ये खिड़की के ऊपर रखा हुआ है प्लांट सब, उन सबको भी दे रही हूँ, लेकिन अभी इन सबको थोड़ा ध्यान से मुझे देखना है कि इनको किस चीज़ की कमी हो रही है, कि प्लांट के ग्रो नहीं हो रहे हैं जो मैंने खिड़की पे डाला है, क्योंकि इधर इतना ज़्यादा काम का प्रेशर बढ़ा हुआ है कि कहने वाली बात नहीं है। ऊपर से बच्चों की हाफ ईयरली शुरू होने वाली है, तो वो पेपर का भी टेंशन मुझे मतलब हो गया है, पता नहीं क्यों आयु को लेकर ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर तो इस वजह से थोड़ी सी मैं प्लांट वगैरह को बस जैसे तैसे मैं फर्टिलाइज़र जो वीकली हो या मंथली हो मैं दे रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। और यही सब करते करते तो इतने टाइम निकल जाते हैं, और घर के सारे काम ख़त्म करते ही आयु के आने का टाइम हो जाता है, फिर मैं आयु के पीछे लग जाती हूँ, तो रूटीन ऐसे ही चल रही है। तो बस मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मुझे घर के अंदर की सफाई करनी है। आपको सिन्हा जी नहीं दिख रहे होंगे घर में, क्योंकि सिन्हा जी है नहीं, वो गए मार्केट, क्योंकि उनको मार्केट से लाना था फूल, भगवान की पूजा चल रही है ना, तो फूल ख़त्म हो गई थी, तो फूल लेने के लिए और प्रसाद वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं, तो फल वगैरह लेने के लिए जो भगवान को भोग लगाते हैं, साथ में मिल्क वगैरह जो भी है, घर के छोटे छोटे मोटे जो भी सामान होते हैं वो सारे लेकर के सिन्हा जी आएंगे। और अभी क्या है ना कि इतनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ रहती है ना, कि कोई काम जो 10 मिनट में हो सकता है उसको कम से कम 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, तो इसलिए सिन्हा जी पूरे टाइम लेकर के ही आएंगे, तब तक मेरी पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे मैं सोफे वगैरह क्लीन कर, ब्रश से ऐसे क्लीन अगर झाड़ दीजिए ना तो अच्छा हो जाता है, ऐसे सिन्हा जी ने इधर ही वैक्यूम किया था सबको। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा अभी शैतानी नहीं करते हैं, अब बच्चे अवारुल भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी फैलाता था। और मेन है कि अभी बच्चे क्या गंदगी फैलाएंगे, घर में रहते ही नहीं है तो क्या करेंगे। मॉर्निंग उठते हैं, मॉर्निंग स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, और फिर घर में पढ़ाई करना, फिर देखते देखते दिन बीत जाना, और रात को खाना खाना सो जाना बच्चों का, फिर मॉर्निंग से वही रूटीन होता है। छुट्टी के दिन बच्चों को बस टाइम मिलता है, तो बस यही सब चलता है। अभी आयु जब ट्यूशन से आएगा तो शुरू हो जाएगा फिर से अपनी शैतानी लेकर के, तो यहाँ पर मैं वही क्लीनिंग कर ली, चलिए भाई फटाफट क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये जो क्लीनिंग करने का जो ये है ना, मैंने फर लिया हुआ है ना, ये काफ़ी अच्छा है, और इससे ना जो जितने डस्ट होते हैं ना, बारीक डस्ट जो मतलब लोवर्स जो लगे हुए हैं मेरे टीवी के पीछे में, तो ये माइका नहीं है, लोवर्स है, तो लोवर्स में ना एक मतलब एक ऊपर एक नीचे करके वो शेप बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे धूल भर जाते हैं, तो इस टाइप से अगर आप उसको झाड़े ना तो सारे धूल निकल जाते हैं। ब्रश मार नहीं सकती, जो ब्रश मैंने सोफ़ा पे मारा है वो ब्रश नहीं कर सकते, क्योंकि उस ब्रश से अगर मैंने किया ना तो उससे मतलब उसमें स्क्रैच पड़ने के डर है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं वो सारे ब्रश यूज़ नहीं, हालांकि वो ब्रश बहुत सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी मैं ब्रश नहीं यूज़ करके फ़र यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर जो हमने तो चेंज कर दिया था ना टॉप के ऊपर, ये है ना ग्रेनाइट है, माइका नहीं है, तो वाइट कलर का मार्बल है, सॉरी
आर्टिफिशियल मार्बल मेरे हमने लगवाया हुआ है टॉप के ऊपर, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है कि अगर बच्चे थोड़ा बहुत भी पानी वगैरह का कुछ हो जाता है तो क्लीन हो जाता है और काफ़ी शाइन करता रहता है। और वैसे भी मतलब ये सारे फर्नीचर जो है ये तो हमें वापस से करने पड़े थे, कुछ फर्नीचर पुराने वाले ही रह गए थे, तो अगर क्लीनिंग वगैरह टाइम टू टाइम आप कर रहे हैं ना तो काफ़ी मतलब अच्छी रहती है, मेंटेन रहती है। और नहीं तो फिर मेंटेनेंस में कमी करने से ना सामान बहुत पुराने पुराने दिखने लगते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना लेडीज़, उनको बहुत टाइम लग जाता है इन सारी क्लीनिंग को करने में, क्योंकि इनको एक एक चीज़ चमका के रखना पड़ता है वही हो जाता है। तो चलिए पहले मैं सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद किचन के भी काम है उसे भी ख़त्म करूँगी, देखते देखते तब तक सिन्हा जी आ ही जाएंगे। तो चलिए पहले मैं क्लीनिंग के काम खत्म करके किचन के काम कुछ कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स सिन्हा जी आ चुके हैं और उन्होंने जो मिल्क के पैकेट वगैरह लेकर के आए थे वो सारे सामान मैं अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि पहले अरेंज करने वाले सामान अरेंज कर लेते फ्रिज में। और पनीर लेकर के आए थे तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी, तो पनीर बटर मसाला बना दूंगी मैं फटाफट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पनीर को कट कर रही हूँ और मसाले के लिए मैंने मसाला को रेडी मतलब पहले ही मैं ये कर लिया है। तो मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, अगर पनीर मसाला की रेसिपी आपको देखनी है ना तो आप मेरे चैनल कुक विद अल्पना पे जाकर के ज़रूर देखिए। तो उस पर बहुत सारे पनीर मसाला की रेसिपी है जिसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बनाने के, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और पनीर की ढेर सारी रेसिपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो खैर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ब्लॉग में शेयर करूँगी, आज मैं नहीं कर रही, आज मैं मसाले नहीं कर रही, बाकी मतलब मैं बना रही हूँ। तो आज चूँकि साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी घर की और कुकिंग वगैरह भी है, तो इसलिए मैं फटाफट पहले साथ मतलब यहाँ पे मैं पनीर को रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद है ना कि पूजा वगैरह की भी टाइम है और आज क्लीनिंग में बहुत वक्त लग गया था। और शिना जी ना सुबह सुबह बैठ गए थे, उन्होंने घंटों बातें की घर पे, कुछ ज़रूरी काम था तो घर 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 से बातें हो रही थी, तो इस वजह से वो मार्केट थोड़ा लेट गए। और मार्केट लेट जाने की वजह से क्या हुआ कि मतलब एकदम से भीड़ बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, तो इनको टाइम बहुत लग गया। तो आते आते तो मैं वही सोच रही हूँ, और मैं सफाई कर रही थी कि जब आएंगे पनीर आएगा तो पनीर की मतलब सब्जी वगैरह बनेगी, तो वो सब मैंने किया है। फटाफट मैंने चाय एक तरफ चढ़ा दी है और जो क्लीनिंग कप बर्तन वगैरह छोटे मोटे जो ग्लास कप वगैरह रहते वो मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। और तब फिर ये सारे काम होने के बाद फिर मैं जाऊँगी स्नान करने के लिए। तो ऐसे ही ये शेड्यूल आज का तो ऐसे ही चलता है, मतलब जब घर में पूजा पाठ रहती है तो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो जाता है, बट इतना भी नहीं होता है, तो काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है और तो बस वही है। लेकिन देखते देखते सारे काम भी हो जाते हैं। और सुबह की क्लीनिंग थोड़ी लंबी होने की वजह से किचन के काम को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है मुझे, क्योंकि रोज़ बहुत डीप क्लीनिंग नहीं होती है घर की, जैसे वीक में तीन दो दो से 3 दिन तो हो ही जाती है। मैंने चाय बना दी और सिन्हा जी को मैंने दे दिया, वहीं पे खड़े होकर बातें कर रहे थे। पहले तो हमारी घंटों बातें हो जाती थी किचन में ही, अभी सिन्हा जी सुबह में पेपर वगैरह पढ़ने के चक्कर में रह जाते हैं। नहीं तो पहले तो मैं किचन में खाना बनाती रहती थी और किचन में वो खड़े होकर घंटों
हम दोनों की बातें हो जाती थी और सारी बातें हो जाती थी किचन में ही, खाना बनाते बनाते ही। आजकल सिन्हा जी के लगता है पैर दुख जाते हैं, इसलिए वो सोफे पे ही बैठे रहेंगे। तो मैं ही जब टाइम टू टाइम चाय लेकर के जाती हूँ या काम ख़त्म करके जाती तो बातें होती है, तो बस बैठो बैठो करके वो इतना लेट कर देते हैं मुझे कि अभी बैठ जाओ थोड़ी देर और बैठो, तो और बातें निकलती है एक के बाद एक बातें निकलती है ना, तो काम बहुत पेंडिंग हुआ। आज मैंने सोच लिया कि मैं फटाफट सारे काम ख़त्म कर लूँगी। तो सिन्हा जी मार्केट से आए हैं तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती वगैरह लेकर आए हैं। सब्जी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, धनिया के पत्ते तो बहुत महंगे हैं। बट मुझे है ना हरी चटनी बनानी थी, क्योंकि मेरी शैमू जो है ना वो बिना चटनी के वो उसका खाना मतलब कंठ से नीचे नहीं उतरता है। और जो कुकुम्बर के सलाद होते हैं ना उसके साथ में ही उसको, मतलब ये दोनों चीज़ चाहिए। तो खैर इसलिए मैं जो बच्चे जिस तरीके से खाते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को दूँ, ताकि बच्चे खुशी खुशी और अच्छे से खाएं, और अच्छे मन से खाएंगे तो शरीर में सारे खाने लगते हैं, चाहे जो भी हो। सिंपल बनाओ या आप 10 तरह के मतलब आप पकवान बना के बच्चों को खिलाओ, अगर बच्चों के मन के हिसाब से है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चों के शरीर में भी लगता है। और नहीं तो फिर छोटी छोटी चीज़ों के कारण बच्चे अगर मन से नहीं खाते, तो मेरी बेटी को चटनी बहुत पसंद है, हरी चटनी और सलाद बहुत पसंद। तो खैर मैंने चाय रख दी थी और मैंने छोटे मोटे काम कुछ निपटा लिए और अब आ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिन्हा जी बैठाएंगे तो कम से कम आधे घंटे बैठ के गप्पे होंगी, क्योंकि सुबह घर में बहुत सारी घर से बातें हुई हैं गांव से, तो वो सारी बातें उनको बतानी होगी अभी। और यहाँ पे हम सभी स्नान करके आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो बच्चों की आज छुट्टी है, सिन्हा जी की छुट्टी नहीं है, तो सिन्हा जी ऑफिस निकलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले फटाफट पूजा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पूजा भी हो गई और सिन्हा जी नाश्ता वगैरह करके निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, और मैं यहाँ आ गई हूँ क्योंकि मेरे एक दो मैं मुझे कुछ काम भी करने हैं, और मेरे एक दो कुरियर भी आने वाले हैं अभी, तो उन सब का भी कॉल आ गया था कि मतलब आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपने मतलब कैमरा से और मोबाइल से जो भी मैं शूट करती हूँ तो वो सारे मैं डेटा पहले निकाल करके और उसको मैं मैकबुक से लेकर के PC में ट्रांसफ़र कर लेती, ताकि उसके बाद मेरी एडिटिंग के काम भी दिन भर चलती रहती है। मतलब इस समय मैं सारे डेटा को ये कर लेती हूँ, उसके बाद से कलेक्ट करने के बाद मेरी एडिटिंग भी चलती रहती है, और साथ ही बच्चों को स्कूल से लाना, बच्चों को ट्यूशन मतलब उनको रेडी करके खाना वगैरह खिला करके उनको ट्यूशन भेजना, मतलब एक एक करके दोनों बच्चों को लाना भेजना, ये सारे काम मेरे इसी बीच बीच में चलते रहते हैं काम रोक रोक करके। लेकिन मेरी एडिटिंग के काम इस समय से चलती रहती है, अगर मैं वो ना करूँ ना तो मतलब मेरी एक वीडियो टाइम से नहीं जा पाएंगी, तो इस वजह से मुझे मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है काम की वजह से, भागम भाग मतलब एक मिनट का भी मुझे चैन नहीं पड़ता। और मुझे शायद से क्या लगता है कि जब मैं यहाँ चेयर पे बैठ के काम करती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी इसी में रेस्ट हो जाती है, बाकी तो भागम भाग ही लगी रहती है। और यहाँ पर दिमाग रेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि दिमाग को तो काम करना होता है, बस बॉडी थोड़ा रेस्ट में आ जाता है चेयर पर बैठ के। तो खैर चलिए फ्रेंड, ये तो चलती रहेगी। फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और लग रहा है कि मेरा कोई कुरियर आ गया है, कॉल बेल बजी है।